तो हाँ है हमारे पिता बाहुबली। ये बड़े शान से आप कह रहे हैं कि हाँ है वो बाहुबली। तो हाँ है वो बाहुबली। पिता का रिकॉर्ड तोड़िएगा या फिर नाक कटवाइएगा, क्या कीजिएगा, क्या होगा? मैं तो विकास करूंगा। को मालूम है ना कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर है। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के और जिस सिस्टम को चलाते हैं, वो जिस काम को करते हैं वो काम भी ढंग से नहीं कर सकते। अच्छा, विशाल प्रशांत कॉपी कर रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या पूछिए कैसे? कॉपी कर रहे हैं आप। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। तरारी का विकास करे के खातिर हम सबको एक हो। देखिए, आपको मालूम है कि ये बातें कही हैं सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत ने। आपको मालूम है कि विशाल प्रशांत एनडीए के उम्मीदवार भी हैं। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी नमस्कार। जी नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे विशाल जी कि आपको एनडीए ने अपना उम्मीदवार बना दिया है, आपको टिकट भी मिल गई है, क्या कहिएगा? जी, उसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेरा धन्यवाद। बस धन्यवाद और क्या? एक्सपेक्ट किया था कि टिकट मिलेगी? हमें तो पता था। अच्छा? क्योंकि पिछली बार जब 63,000 वोट हमें निर्दलीय दी गई वो विकास की वोट थी जी। और पार्टी को ये लगा, भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि विकास किसके थ्रू वो करा सकते हैं। उन्होंने हमें खोजा और हमें टिकट दिया। उन्होंने आपको खोजा और आपको टिकट दिया, यानी कि आप कह रहे हैं कि आप उधर नहीं गए थे, वहां से प्रस्ताव आया था। वहां से ये जनता, जो तराड़ी की जनता ने दिखाया कि किसी भी जात, किसी भी पात और किसी भी दल से ऊपर कोई चीज अगर है तो वो है विकास। तो उस विकास के जो वोट और आंकड़े शीर्ष नेतृत्व ने उसको कैलकुलेट किया तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम दिखा जो कि हम थे। तो हमें इस वजह से टिकट के लिए बुलाया गया। अच्छा, ये बताइए कि हमने देखा है कि जब आप नॉमिनेशन कर रहे थे तो गजब की भीड़ थी आपके साथ, क्या आपको लगता है कि वो भीड़ जो है वो वोट में बदलेगी, तब्दील होगी? वो भीड़ नहीं थी, वो लोगों की आस थी, एक आस्था थी कि विकास कर सकता है कोई। अच्छा। उस आस्था के लिए लोग वहां पहुंचे थे। आस्था के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे, विकास की आस्था। विकास की आस्था, भूख। मैं आपको सुन रही थी कि लोगों की आंख में मुझे भूख दिख रही है, भूख दिख रही है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, आप खुद देख सकते हैं। अगर एक बार भी आप पूछे कि यहाँ 9 साल में कोई कार्य हुआ है और उससे पहले 5 साल में कितने कार्य हुए हैं, उस दोनों की अगर बराबरी आप करती हैं और आप देखेंगी तो मुझे, मैं कल ही एक आंकड़ा निकाल रहा था, मुझे ये दिखा कि उन 5 सालों के अंदर 151 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ रोड पे खर्च किए गए और अभी के आंकड़े अगर आप देखें पिछले 9 साल के अंदर तो 21 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 5 साल में 151 करोड़ और 9 साल में 21 करोड़। ये हमारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ से जाते हैं वो करते क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आता। आप भी जा सकते हैं, आप क्या कीजिएगा, तब जनता आपको आंकड़ा गिनाएगी। मुझे तो सिर्फ 1 साल मिल रहा है अभी। मैं उस 1 साल में आंकड़े को बताऊंगा कि क्या वो, जैसे कि हमारे माननीय अध्यक्ष ने कहा है कि इस तराड़ी की जनता के लिए वो अपना खजाना खोल देंगे, मैं उस खजाने को हर दरवाजे तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हर दरवाजे तक उस खजाने को हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लगातार आप भ्रमण भी कर रहे हैं, क्या लगता है मूड क्या है तराड़ी की जनता का? विकास, विकास, विकास। लोग सिर्फ विकास चाहते हैं। वो उब चुके हैं उन झंडा उठा के, धरना दे के, प्रदर्शन करके, इधर उधर जाके। लोग एक रात में एक मीटिंग करते हैं और लोगों को कुछ और समझाते हैं, पुरानी बातें, पुरानी यादें। लोग अब समझ चुके हैं कि लोग बेवकूफ बना रहे हैं, अब उन्हें सिर्फ विकास चाहिए। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए और आप पर भरोसा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी पे, नीतीश कुमार पे और हम पे भरोसा करके ट्रिपल इंजन की सरकार पे भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि तराड़ी में इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। मुझे तो लगता है कि यहाँ के लोग समझ चुके हैं कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी और खजाना खुलेगा तो विकास 1 साल में भला ही भला होगा। 1 साल में 9 साल की जितनी भी चीजें छुटी हुई हैं सब खत्म हो जाएंगी और हम लोग चकाचक तराड़ी बनाएंगे। चकाचक तराड़ी बनाइएगा। देखिए, एक कठिन सवाल है, एक कठिन सवाल है विशाल जी, हम चाहेंगे कि हम आपसे पूछ लें। कठिन सवाल ये है कि पहले विपक्ष के नेता आपके पिता को बाहुबली कहते थे, अब तो कैमरे के सामने आपने भी कबूल लिया है कि मेरे पिता हैं बाहुबली। जी, वो
है ना बाहुबली, कबूलिए ना फिर ये बात। जी बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि उन्होंने अपना 2010 से 15 का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो बाहुबल विकास पे दिखाया है कि बाहुबल विकास पर दिखाया है। अच्छा जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि मेरे पिता हैं बाहुबली लेकिन विकास के। मुझे पहले ये बताइए बाहुबली का मतलब क्या होता है। जी मतलब आप जो कह रहे हैं हम तो वही कह रहे हैं कि आपके पिता हैं बाहुबली विकास। मैं तो बाहुबली वो प्रभात कुमार की कोई मूवी है, मैं जानता हूँ कि उसमें उसने सब कुछ छोड़ के त्याग के जनता के बीच जाके रहने लगा था। मैं अगर आप उनको बाहुबली मानती हैं तो हाँ है हमारे पिता बाहुबली। अगर आप विकास अगर विकास के कार्यों का आंकड़ाओं को उठा कर देखे जितना उन्होंने विकास किया जितना किसी ने नहीं किया तो हाँ है वो बाहुबली। अच्छा, जी जी। अगर जनता के बीच में जाके अगर वो दिलों में रहते हैं तो है वो बाहुबली। अच्छा एक बात बताइए, बड़े शान से आप कह रहे हैं कि हाँ है वो बाहुबली, आपके लिए राह आसान नहीं होने वाली है, पिता का रिकॉर्ड तोड़िएगा या फिर नाक कटवाइएगा, क्या कीजिएगा, क्या होगा? मैं तो विकास करूंगा। हाँ, और मुझे दिख रहा है रिकॉर्ड तोड़िएगा अपने पिताजी का। मैं तो विकास करने जो जा रहा हूँ और जिस हिसाब से केंद्रीय नेतृत्व और बिहार सरकार ने मुझे वादा दिया है कि वो सारे के सारे खजाने खोल देंगे तराड़ी की जनता के लिए, तो हमारी अगर सारी योजनाएं पार हो जाती हैं तो पिछले 5 साल के बाद जो 9 साल का कार्यकाल रहा है अगर हमने उसको 1 साल में कर लिया जो योजनाएं यहाँ मांगी जा रही है तो मुझे लगता है कि पुराना रिकॉर्ड ही नहीं सारे के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। सारे के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि मैदान में कौन कौन है? आपको मालूम है कि आपका प्रतिद्वंदी कौन कौन है? राजू यादव भी है और किरण सिंह भी है, टिक पाएंगे ना आप? मुझे दिखता है कि मेरे सामने वो जनता दिखती है जिसके आँखों में सिर्फ और सिर्फ विकास दिखता है। अच्छा, भूख है उस विकास की। जी जी। जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे और कोई नजर नहीं आता। राजू यादव नहीं दिख रहे आपको? किरण सिंह नहीं दिख रहे आपको? मुझे जनता के आँखों में जो भूख दिख रही है, जो पिताजी का कार्यकाल 2010 से 15 रहा है उस कार्यकाल को देखते हुए जो भूख और गुस्सा उनके खिलाफ दिख रहा है उस गुस्से को देख के तो मुझे और कोई दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, और कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको मालूम है ना कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर है, कईयों को चुनाव जिता चुके हैं भाई, तो किरण सिंह तो ऐसे भी जीत जाएंगे। शायद वो वही है ना जो ऐसा टेक्निकल मिस्टेक करते हैं कि उनको ये भी नहीं पता होता है कि टेक्निकल मिस्टेक। एसके सिंह की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के और जिस सिस्टम को चलाते हैं वो जिस काम को करते हैं वो काम भी ढंग से नहीं कर सकते। अच्छा, यानी कि वहाँ पर भी लूप होल दे रहे हैं। लेकिन एक बात बताएं, आप पे भी बड़ा बड़ा आरोप लग रहा है, कहा ये जा रहा है कि विशाल प्रशांत कॉपी कर रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या पूछिए कैसे? कॉपी कर रहे हैं आप? पूछिए कैसे, आप पूछिए, हम बताते हैं। जी बिल्कुल बताया जाए। जी कहा ये जा रहा है कि देखिए वो भी बात कर रहे थे कि इस बार नेता का लड़का नहीं अपन लड़का को नेता बनाना है, आप भी कह रहे हैं कि हम नेता का बेटा नहीं जनता के बेटे हैं, वो भी कह रहे थे कि हम मैनिफेस्टो लाएंगे, आप भी कह रहे हैं कि गांव और पंचायत का मैनिफेस्टो लाएंगे, तो बात तो एक हुई ना, कॉपी कर रहे हैं आप? मैंने तो कभी ये नहीं सुना या जाना कहीं से कि कोई भी गांव का मैनिफेस्टो लाने की कोशिश किया है बिना प्रशांत किशोर ने बोला है। मुझे आपने तो अपने संबोधन में कहा है कि हम मैनिफेस्टो लेकर आएंगे। मैंने अपने जिस दिन मेरा नॉमिनेशन हुआ उस दिन मैंने स्टार्ट किया। बिल्कुल। और बिल्कुल। उस दिन मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि 100 गांव घूम चुका था मैं। अच्छा। और हर गांव की अलग अलग समस्याएं हैं। जी, जी, उन जी। समस्याओं को मैं नोट कर रहा हूँ और मैं सरकार से चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उसको पूरा करें। यानी कि कॉपी नहीं कर रहे कहीं, ऐसा तो नहीं कि आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आपकी कॉपी कर रहे हैं? अगर मुझे नहीं पता, मुझे तो एक पत्रकार महोदय ने ये भी बोला कि ये सब चीजें जो आप बोल रहे हैं मुझे लगता है कि बिहार के बहुत सारे नेता और देश के बहुत सारे नेता कॉपी करेंगे। अच्छा, कॉपी करेंगे जो आप कह रहे हैं उसको? मुझे तो लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन आपको मालूम है आप नेता का बेटा है, आप जनता का बेटा बन पाइएगा क्या? आपको अगर जनता कहेगी कि आपको यहीं पर सोना है, हमारी ही थाली में खाना है, रात में खटिया पर ही सोना है, सब करने को तैयार है ना, एसी छोड़ना पड़ेगा, ऐशो आराम छोड़ना पड़ेगा, कहाँ फंस रहे हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं विकास पुरुष का बेटा हूँ? मैंने उनको रात के 2-2 बजे तक कार्य करते देखा है।
तो मुझे आइडिया है कि जनता मुझसे क्या चाहती है। अच्छा। मुझे वो खटिया पे नहीं, वो रात के, मैंने अपना नंबर सबको दे रखा है कि रात के 2 बजे भी आ सकता हूँ। पर्सनल नंबर दे दिया? मेरे पास एक ही नंबर है और वो पर्सनल है या पब्लिक है? अच्छा। मेरी पब्लिक मेरी पर्सनल है। जी जी, मेरी पब्लिक मेरी पर्सनल है, क्या बात है। मौका मिलता है तो तरारी के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहले मैं मैनिफेस्टो जो जारी करूंगा उसके अंदर बहुत सारी चीजें दिखेंगी, लेकिन एक कॉमन एजेंडा है हमारा कि जिस तरह पटना, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों को हम सीवेज सिस्टम से जोड़ सकते हैं, हम अपने गांवों को क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हर गाँव में आप डिसिप्लिन वे में कॉलोनी नहीं बनी है, तो प्रॉब्लम ये है कि हर तरफ से जो ऊंचाई हो गई है, बीच में पानी का जल जमा हो जा रहा है, उसके वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है लोगों को। उन बीमारियों को हटाने के लिए हमें एक सिविल सिस्टम का सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं PhD डिपार्टमेंट जाऊंगा और इसमें अपना जो भी ज्ञापन है सौंपूंगा। उसके बाद माननीय मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स इस पे अपना चर्चा करेंगे। अगर ये पास होता है तो मुझे लगता है ये पूरे बिहार के सारे गाँवों के लिए बहुत ही अच्छा कदम होगा। बहुत ही अच्छा कदम होगा, यानी कि सब कुछ सोच लिया है, सब कुछ तय कर लिया है। एक आखिरी सवाल है मेरा। आखिरी सवाल आपसे क्या होगा, वो ये है कि क्या लगता है कितने मतों से जीत रहे हैं तरारी? विशाल की है तैयारी चकाचक तरारी। क्या बात है, कितने मतों से? मुझे ऑपोजिशन में कोई दिख ही नहीं रहा है, तो मैं मतों की गणना ऑपोजिशन के लिए कर ही नहीं सकता हूँ। विशाल की है तैयारी चकाचक होगा तरारी। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।